हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल रीड इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि जो वैश्विक आर्थिक महामंदी आई थी, इसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आज हम ये पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वैश्विक आर्थिक महामंदी का अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में क्या प्रभाव पड़ा, इंडस्ट्रियलिस्टों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आज हम पढ़ेंगे इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। If we look at the impact of depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. यदि हम look at the impact of depression, यदि हम depression यानी depression का मतलब यहाँ पे मंदी है, कहीं आप वो दिमाग वाला depression ले लो, ये है आर्थिक महामंदी। तो इस आर्थिक महामंदी का जो impact था इंडिया के ऊपर, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. इस आर्थिक महामंदी का प्रभाव इंडिया के ऊपर भी पड़ा, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इस जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, यानी कि पूरे संसार के सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे ना 18th-19th सेंचुरी में, तो वो कैसे इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, इंटीग्रेटेड का मतलब एक रूप इकोनॉमी का कैसे एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता। देखो आर्थिक मंदी कहाँ आई, यूएसए में, अब यूएसए कहाँ देखो और इंडिया कहाँ है, इंडिया तक भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, द ट्रेमर्स ऑफ ए क्राइसिस वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर क्विकली रिलेड टू अदर पार्ट्स अफेक्टिंग लाइव्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। तो यही है जो ट्रेमर्स ऑफ द क्राइसिस, जो क्राइसिस का जो भूचाल था, ट्रेमर का मतलब ऐसे था भूकंप वगैरह, जो क्राइसिस का कौन सा क्राइसिस था, डिप्रेशन का, तो इसने वर्ल्ड के सभी कंट्री में इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, इम्पैक्ट कर दिया, प्रभावित कर दिया। इन द 20th सेंचुरी एज यू हैव सीन कॉलोनियल इंडिया हैड बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो 20th सेंचुरी में जैसे हमने देखा था कि जो कॉलोनियल इंडिया है, कॉलोनियल इंडिया क्यों है, उपनिवेशी भारत क्यों है, उपनिवेशी भारत जो कि उस टाइम पे ब्रिटेन की ये क्या थी, कॉलोनी थी, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था। तो क्या कर रहा था उस टाइम पे, ये एक्सपोर्टर ऑफ द एग्रीकल्चर गुड्स, यह जितनी भी एग्रीकल्चर गुड्स प्रोडक्शन होते थे, अनाज चावल कपास जो भी होता था ना, उसका एक्सपोर्ट करता था, विदेशों में बेचता था, किनको, मैन्युफैक्चरर को, और वहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या करते थे, उनसे तैयार माल बनाते थे। इंडिया ने यही तो किया था ना, सॉरी इंग्लैंड ने। द डिप्रेशन इमिडिएटली अफेक्टेड द इंडियन ट्रेड, तो इसने क्या कर दिया, भारतीय व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया। इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नियरली हाफ बिटवीन 1928 and 1934। इन 6 सालों में ना इंडिया का जो एक्सपोर्ट था विदेशों में बेचना, क्या हो गया, हाफ हो गया। हाफ होना बहुत बड़ी बात होती है, देख लो कितना ज़्यादा नुकसान हो गया, हाफ में चला गया। एंड एज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैशेस, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्राइस थे, यानी कि जो कीमतें थी कृषि प्रोडक्ट की, वो क्या हो गई, क्रैश हो गई, कम हो गई है। एंड प्राइसेस इन इंडिया आल्सो प्लंज, और इंडिया का जो प्राइसेस थे ना, जो इनके कृषि प्रोडक्ट के, वो भी क्या हो गए, नीचे चले गए। बिटवीन 1928 and 1934 वीट प्राइसेस ऑफ इंडिया फेल बाय 50%। भारत के अंदर 1928 से लेकर 34 तक जो वीट के प्राइस थे, यानी कि गेहूं के प्राइस थे ना, वो आधे हो गए। गेहूं के प्राइस क्या हो गए, आधे हो गए। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स, और यहाँ पे जो पीजेंट्स और फार्मर थे ना, जो किसान थे, किसान पीजेंट्स होते काश्तकार, फार्मर होते किसान, ठीक है, काश्तकार होते जो पट्टे पे जिनके ठेके पे लेने वाले है ना, उनको बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कंपेयर टू अर्बन ड्वेलर्स, शहरों में रहने वालों से ज़्यादा प्रभावित कौन हुए, किसान हुए। एंड दो एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू रिड्यूस रिवेन्यू डिमांड्स, वहीं जो
इंडिया के जो किसान थे उनके प्रोडक्ट सस्ते हो गए, ठीक है, लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में उस टाइम पे, उन्होंने खेतों के ऊपर लगान लगा रखे थे, ठीक है, टैक्स रिवेन्यू का मतलब है लगान, वो उनके ऊपर लगा रखे थे। तो किसानों ने बोला अंग्रेज सरकार को कि आप ये टैक्स कम कर दो, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। फिर देखो उसके बाद क्या होता है, पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट, और वही जो पीजेंट्स जो वर्ल्ड मार्केट के लिए वो कर रहे थे, प्रोडक्शन को उत्पादित कर रहे थे, तो उससे और भी ज़्यादा प्रभावित हो गए हम, समझ रहे ना, किसान उस टाइम पे और भी ज़्यादा प्रभावित हो गए। अभी आप सुन रहे थे ना जो किसान बिल, किसान बिल, इसी को लेके ऐसी सिचुएशन ना आए, इन सिचुएशन से बचने के लिए तो किसान आंदोलन कर रहे हैं कि भाई MSP फिक्स कर दो, कि MSP का जो प्राइस है ना वो डाउन नहीं होगा। क्या पता बिजनेसमैन ना ले, बिजनेसमैन तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तो करते हैं ना, प्रोडक्ट को लेते हैं। अब देखो इनके साथ क्या हुआ, यहाँ पे उस टाइम की बातें हैं तो ग्रेट डिप्रेशन की। कंसिडर द जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल, बंगाल के जो जूट प्रोड्यूसर किसान थे, जो उनके बारे में सोचो, देखो दे ग्रू रो जूट, वो जूट का उन्होंने इस्तेमाल किया, दैट वॉज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म गनी बैग, जो कि फैक्ट्रियों में जाता था, फैक्ट्रियों में उस जूट से प्रोसेस करके क्या बनाते थे, गनी बैग्स बनाते थे। गनी बैग्स ही होते जो बोरियो वगैरह होती ना, बोरियो के वो देखोगे आपने थ्रेड कैसे होते हैं, वो जूट के बने होते हैं, बोरिया चटाइया ये होती है वो। बट द गनी एक्सपोर्ट कोलैप्स, द प्राइसेस ऑफ द रॉ जूट क्रैश मोर देन 60%। अब एक्सपोर्ट कम हो गया विदेशों में, और एक्सपोर्ट होता था उन गनी बैग्स में, यानी कि उन बोरियों के अंदर ही तो प्रोडक्ट जाया करते थे, जैसे जीरी जाते हैं, गेहूँ जाते हैं ना, उन्हीं में तो जाते हैं। अब वो नहीं जा रहे हैं तो उनकी डिमांड भी कम होगी, तो उनका 60% डाउन हो गया। 50% तो वीट का हुआ, 60% उसका हो गया। पीजेंट्स हु बोरोड इन होप ऑफ बेटर टाइम्स और इंक्रीज आउटपुट इन द होप ऑफ द हायर इनकम फेस्ड ओवर लोअर प्राइसेस एंड फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेब्ट। जो किसान इस आस में प्रोडक्शन कर ज़्यादा से ज़्यादा कि उनको प्राइसेस हाई मिलेंगे, अब प्राइसेस उनके हो गए हाफ, तो वो और भी ज़्यादा डीपर एंड डीपर डेफ्ट में चले गए, यानी कि उनके ऊपर कर्जे पे कर्जा और ज़्यादा बढ़ता गया किसानों। यही तो हालत होती है किसानों की, इसी वजह से वो कर्जे में ज़्यादा जाते हैं। और यही वजह थी कि किसान इस बिल में भी, आपने सुना होगा पिछले मंथ में काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो रहा था, अभी तक भी कर रहे हैं हरियाणा पंजाब के, स्पेशली पंजाब वाले किसान तो ज़्यादातर कर रहे हैं वहाँ जाके, वो इसीलिए कर रहे हैं कि भाई इस बिल में सब ठीक है, लेकिन बस एक ये कर दो कि किसानों के प्रोडक्ट का, मान लो एक टाइम ऐसा आ जाए कि कोई भी ना खरीदने वाला हो, बिजनेसमैन जरूरी थोड़ा ना कि हर बार खरीदेगा, तो प्राइस ऐसा कर दो कि भाई वो फिक्स रहे। जैसे गेहूँ में इतनी दिक्कत नहीं आती, जीरी में तो आती है ना, अब जीरियों में देखा आपने कितने प्राइसेस डाउन कर रखे थे, किन्होंने कर रखे थे, वो एक्सपोर्टरों ने तो कर रखे थे, बिजनेसमैनों ने। अब सारा ही काम बिजनेसमैनों पे हो गया तो फिर तो वो गलत बात हो जाएगा ना किसानों के लिए, तो पहले ही घाटे का सौदा है इसी वजह से ही, और किसानों का प्रोडक्ट इसी वजह से घाटे का सौदा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं अपने यहाँ पे। दस द बंगाल जूट ग्रोवर्स लैमेंट, यहाँ पे देखो एक बंगाल का एक किसान है जो जूट का उत्पादन करता है, अब उसका लैमेंट यानी कि उसका दुख सुनो, क्या लिखा उसने, ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, कह रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, जूट का उत्पादन करो जिससे कि हमें ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है। कॉस्ट एंड डेब्ट्स ऑफ जूट विल मेक यू कॉस्ट एंड जूट मेक यू विल मेक यू होप्स गेट डेस्ट, लेकिन जो कॉस्ट है, जो उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, और जो कर्जा है डेब्ट, जो उसके ऊपर कर्जा है, उससे क्या होगा, मेक योर होप गेट डेस्ट, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, डेस्ट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। व्हेन यू हैव स्पेंड ऑल योर मनी एंड गोट द क्रॉप ऑफ द ग्राउंड, ट्रेडर सिटिंग एट होम विल पे ओनली 5 a month, यानी कि जब आप क्या करोगे, पूरा पैसा उस पर लगा दोगे, खेती में पैसा तो लगता है ना, अब ये 6 महीने पैसा लगाया सब किसानों ने, अब क्रॉप ऑफ हो जाए ग्राउंड में, यानी ग्राउंड पे पड़ी है, कोई उसका खरीदार नहीं है,
और जो खरीदने वाले ट्रेडर है सिटिंग एट होम, जो घरों में बैठे हुए ट्रेडर है, वो 5 रुपये माउंड के हिसाब से, माउंड का मतलब होता है एक ढेरी होती है ना गेहूं की, जैसे गेहूं की जीरी की जो माउंड होता है वो ढेरी लगाते हैं अनाज मंडी में, एक मंडी माउंड पूरा ढेर, तो वो पूरे के पूरे ढेर को 5 रुपये में ले रहे हैं, तो कितना ज़्यादा दर्द आता है किसान को। वही इसमें बताया गया कि बंगाल का किसान है ये जूट उत्पादक, वो बता रहा है ठीक है। अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स इंडेप्टनेस इंक्रीज, और किसानों के कर्जे पूरे भारत में बढ़ते गए, यानी कि किसान क्या होते जा रहे थे, ऋणी होते जा रहे थे। दे यूज अप देयर सेविंग्स मॉर्गेज लैंड, वो क्या करने लगे, उनके पास जो सेविंग की बचत थी उसको यूज करने लगे, उनके पास जो ज़मीनें थी उनको मॉर्गेज यानी कि उनको बेचने लगे। एंड सोल्ड वट एवर ज्वेलरी, उनके पास जो भी ज्वेलरी थी एंड प्रेसियस मेटल थे उनको बेचने लगे। दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस, यानी कि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपना सामान तक बेचने लगे थे किसान उस टाइम पे। एंड इन दिस डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रेसियस मेटल नोटेबली गोल्ड, और इस टाइम पे इंडिया क्या हो गया, जो उनके पास ज्वेलरी वगैरह किसान बेच रहे थे तो इसका एक्सपोर्ट हो रहा था विदेशों में। इन अब पहले तो बेचते थे कृषि प्रोडक्ट, कृषि प्रोडक्ट की बजाय अब क्या बिकने लगे, उनके पास जो ज्वेलरीज वगैरह थे वो बेच रहे थे ठीक है। द फार्मर्स इकोनॉमिस्ट जॉन मैनार्ड केन्स, जे एम केन्स के नाम से काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रोमोटेड ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी, और ऐसे कहते हैं कि जे एम केन्स ने बताया कि उस टाइम पे जो इंडिया वालों ने जो गोल्ड बेचे थे, अपने ज्वेलरी बेची थी और वो विदेशी व्यापार में तो गई थी, वो विदेशी मार्केट में, तो कह रहे हैं कि उस मेटल ने, गोल्ड ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को रिकवर करने में हेल्प की थी इंडिया के गोल्ड ने, इंडिया का गोल्ड इतना गया था उस टाइम पे। दे सर्टेनली हेल्प स्पीड अप ब्रिटेन रिकवरी, उन्होंने निश्चित ही ब्रिटेन की रिकवरी में भी हेल्प की, बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पीजेंट्स, लेकिन भारतीय किसानों के लिए तो बहुत ही कम हुआ उसमें, फायदा किन को हुआ, विदेशियों को, उसमें ब्रिटेन को भी। रूरल इंडिया वॉज द सीथिंग विद अनरेस्ट वेन गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट द हाइट ऑफ द डिप्रेशन इन 1931, और उस टाइम पे जो भारत था उसके अंदर क्या था, पूरी तरह से अनरेस्ट हुआ था, यानी कि सब लोगों को समझ नहीं आता क्या करें, मतलब हताशा ही हताशा दिचारो, तो उसी टाइम पे गांधी जी आए थे और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो उन्होंने स्टार्ट किया था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे 1931 में, सिविल डिसोबीडियंस एक तो मौका तब किया था 1919 में, और एक ये द डिप्रेशन प्रूव लेस ग्रीम फॉर अर्बन इंडिया, और यह है अर्बन इंडिया में, यानी कि जो शहरी भारत था ना वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे इसको लेके, इसको लेके कौन थे सीरियस, सिर्फ और सिर्फ किसान थे। जैसे अभी आपने देखा होगा जो किसान बिल के विरोध में, आपने ज़्यादातर गांव वालों को ही देखा है, शहर वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना, ऐसे उस टाइम पे होता। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था 1931 में गांधी जी ने, तो उसमें किसान ने ज़्यादा सहयोग दिया था। बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस दोज विद फिक्स्ड इनकम्स, क्योंकि उनके प्राइसेस काफ़ी कम हो गए थे, और जिन शहर वालों के तो इनकम फिक्स है उनको क्या, उनको तो फायदा ही फायदा, सस्ती हो रही है। अब आपने सुना होगा किसान जब कहते हैं कि भाई थोड़ी महंगी होनी चाहिए फसलें, या गेहूँ महंगे होना चाहिए, तो तभी नौकरी वाले शहर वाले तभी कहते नहीं उससे तो महंगाई बढ़ जाएगी, कहते ना, तो वो तो खुश हैं उनको सस्ता वो मिले, समझे। से टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स हु रिसीव्ड रेंट्स एंड मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय नाउ फाउंड देमसेल्फ बेटर ऑफ, अब उनको काफ़ी अच्छा लगा, उनकी सेविंग बढ़ रही है, शहर वालों की सेविंग बढ़ रही है, और उनका क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या हो गया उनकी कंडीशन, बेटर ऑफ हो गई उनकी, तो एवरीथिंग कॉस्ट लेस, उनके लिए तो हर चीज़ सस्ती मिल रही थी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज ए गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट थे
यानी कि जो उद्योगपतियों के जो निवेश थे, जो पैसे लगा थे, ऑल्सो ग्रू एज, वो भी बढ़ गए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्टों के तो फायदा हो रहा है ना, बिजनेसमैनों को तो, एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैरिफ और भी ज़्यादा क्या कर दिए, बढ़ा दिए, प्रोटेक्शन टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियों के लिए टैरिफ लगा के उनकी प्रोटेक्शन और ज़्यादा कर दिए, अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन, नेशनलिस्टों की ओपिनियन के प्रेशर में, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा था इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्टली जो हीटेड हुए थे वो हुए थे हमारे इंडियन फार्मर्स, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होता, और यही वजह थी गांधी जी का साथ दिया था किसानों ने, शहर वाले नहीं लगे थे इसमें, सेकंड सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था ना वो काफ़ी सक्सेस हुआ था, ये लेस सक्सेस हुआ था क्योंकि इसमें आधी तो पॉपुलेशन थी नहीं साथ में, ठीक है ना। अभी यहाँ पे भी तो यही हो रहा है किसानों का, ये जो फिलहाल की जो गवर्नमेंट है ना वो मोस्टली किसानों के हित में कम ही कर रहे हैं काम जैसे, ठीक है, और शहर वाले उससे खुश हैं, एक ये भी रीज़न है। रिबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर इरा, यानी कि युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को दोबारा से बनाना, रिबिल्डिंग का मतलब दोबारा से खड़ा करना। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट अ मियर टू डिकेड्स आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दो डिकेड यानी कि दो दशकों के बाद, 1919 में वो ख़त्म हुआ था, 1934 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इट वॉज फोट बिटवीन द एक्सिस पावर्स, मेनली नाजी जर्मनी, जापान, इटली, एक तरफ थी एक्सिस पावर जिसमें ध्रुवीय शक्ति, जिसमें कौन कौन थे, जापान था, जर्मनी था और इटली था, एंड द अलाइज, वहीं दूसरी ओर मित्र राष्ट्र थे कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड द यूएसए, दूसरी तरफ ये थे इन, हाँ जी, जो आज का फिलहाल का रशिया है ना उसे सोवियत यूनियन बोलते, अब तो उसमें से 15-20 कंट्री अलग हुए हुए हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, और ये आपने सुने हो ना आर्मेनिया वगैरह, ये सारे उस टाइम पे रसिया में थे, और रसिया नहीं बोलते थे उसको, उसको बोलते थे सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन बोला जाता था उसमें उस टाइम पे उसको। इट वॉज ए वॉर वेज फॉर 6 ईयर ऑन मैनी फ्रंट, यह जो युद्ध था 6 महीने चला अलग अलग जगहों पे, मैनी फ्रंट्स का मतलब क्या है, अलग अलग बॉर्डर पे लड़ा गया, इन मैनी प्लेसेस ओवर लैंड, ऑन सी एंड इन द एयर, यानी कि कई कई जगह पे सी में भी और एयर से भी लड़ा गया ये युद्ध, ऐसा था इसमें हर प्रकार की आर्मी इसमें लगी हुई थी, ठीक है। Once again death and destruction was enormous, दोबारा से फिर क्या हो गया वर्ल्ड में, death और destruction, विनाश और मौतें बहुत ज़्यादा हो गई, enormous का मतलब बहुत ज़्यादा, at least 60 million people और about 30% of the world 1939 population are believed to have been killed, यानी कि 60 million people, लगभग पूरे संसार की 3% जो जनसंख्या थी वो युद्ध में मारी गई, सिर्फ युद्ध युद्ध में मारी गई है इतनी, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज द रिजल्ट ऑफ द वॉर, किसके कारण, युद्ध की वजह से मिलियंस वर मोर वर इंजर्ड, और लाखों क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। अनलाइक इन अर्लियर वॉर मोस्ट ऑफ द डेथ टुक प्लेस आउटसाइड द बैटल फील्ड्स, और इस युद्ध से पहले अर्लियर द वॉर युद्ध की शुरुआत में मोस्ट ऑफ द डेथ टुक प्लेस आउटसाइड द बैटल फील्ड, बहुत सारी मौतें था ना बैटल फील्ड से, यानी कि युद्ध के मैदान से पहले ही हो गई थी, जैसे हिटलर का आपने सुना होगा, हिटलर ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था उस टाइम पे, है ना, 1939 में शुरू हुआ था ये, सॉरी मैंने 1934 बोल दिया, 1939 में, तो बहुत सारे जो लोग थे वो पहले ही मारे गए थे। Many more civilian than soldier died from war related causes, और बहुत सारे सिविलियन, नागरिक और सोल्जर थे जो सैनिक थे वो युद्ध की वजह से बहुत सारे मारे गए इस टाइम पे। Vast part of Europe and Asia were devastated, और यूरोप का और एशिया का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा devastated हो गया, उसका विनाश हो गया।
एंड सेवरल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारे शहर तो क्या हो गए, तबाह हो गए बाय द एरियल बम्बार्ड। किसकी वजह से? हवाई गोले फेंकने से, एरियल बम्बार्ड यानी कि लड़ाकू विमानों के साथ जो बम डालते हैं ना उसे बोलते हैं एरियल बम्बार्ड। तो एरियल बम्बार्ड की वजह से तो बहुत सारे जो शहर थे वो क्या हो गए, तबाह हो गए। जिसका एक नाम आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी जापान के होते, वहाँ पे फर्स्ट टाइम परमाणु का एक्सपेरिमेंट किया था यूएसए ने, आज तक भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ पे। और रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक, और वहीं दूसरी ओर जो रिलेंटलेस यानी कि निर्ममता से जो आर्टिलरी होते, जो हथियार होते ना उसको बोलते आर्टिलरी वो अटैक, जैसे हमारे ये होते हैं मिलिट्री में तोपे वगैरह होते ना उसे आर्टिलरी बोलते हैं, ठीक है। द वॉर कॉज एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमी डेवास्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन, और इसका तो है ना अर्थव्यवस्था के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और सोशल डिसरप्शन हो गई। रिकंस्ट्रक्शन प्रोमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, अब रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण का जो प्रोमिस था ना वो क्या हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया और काफ़ी मुश्किल हो गया। ये हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया। अभी तो वहाँ से उभरे ही थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, अब 1939 दूसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और ये उससे भी घातक हो गया। इसमें और भी ज़्यादा तरह तरह के हथियारों का यूज किया गया। टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस सेव्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, तो दो क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस हुए, इन्फ्लुएंसेस का मतलब प्रभाव, दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हुए पोस्ट वॉर के यानी कि युद्ध के बाद के। द फर्स्ट वॉर द यूएसएस इमर्जेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएसए की सुप्रीमेसी स्टेब्लिश होगी, क्योंकि वेस्टर्न जो वर्ल्ड के वेस्टर्न में, वेस्ट में तो है ना यूएसए, तो यूएसए क्या है भाई सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी और मिलिट्री पावर में भी क्या है, डोमिनेंट है। आज भी आप देखते हो ना यूएसए कहीं पे भी जाता है उसको स्पेशल अटेंशन मिलता है, किसी भी कंट्री में जाए क्यों मिलता है, क्योंकि इसकी पावर, उसका पावर क्या है, डोमिनेंट है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। मिलिट्री में भी वो सबसे नंबर वन है और पॉलिटिक्स में भी, और ऐसा ही जो ये है उनका इकोनॉमी में भी। अब देखा नहीं होगा यूएसए के इलेक्शन पे पूरा वर्ल्ड देख रहा था उसको, क्यों देख रहा था, क्योंकि पावरफुल कंट्री है वो, उसका पावर है और उसका आधिपत्य है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। और वो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। द सेकेंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, वही दूसरी ओर डोमिनेंस था किसका, सोवियत यूनियन का, यूनाइटेड स्टेट रशिया। इट हैड मेड ह्यूज सेक्रीफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी, क्योंकि इसने ना बहुत बड़ा जो सेक्रीफाइस हुआ था, इट हैड मेड ह्यूज सेक्रीफाइसेस, इसने बहुत बड़ा त्याग किया था टू डिफीट नाजी जर्मनी, जर्मनी को हराने में सोवियत यूनियन ने ही उसको हराया था और उसका सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा हुआ था। एंड ट्रांसफॉर्म इट्सेल्फ फ्रॉम बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री इनटू ए वर्ल्ड पावर ड्यूरिंग, क्योंकि यूएस रशिया है ना वो कैसा था, वो एग्रीकल्चरल कंट्री था, उनकी अर्थव्यवस्था किसके ऊपर थी ज़्यादा डिपेंड, कृषि के ऊपर। अब उसने अपनी अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया और क्या बन गया, वो वर्ल्ड पावर बन गया। एंड द वेरी ईयर वेन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वॉज ट्रैप्ड इन टू द ग्रेट डिप्रेशन, और उसी टाइम पे जो कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट कौन थे, पूंजीवादी कौन थे, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो यूएसए था, यूरोप था, उन पे तो ग्रेट डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा था, लेकिन रशिया यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभरा था। और सबसे बड़ा काम इसने यही किया था कि इसने हिटलर को रोका था, ठीक है।